जी सर, आर्या। हाँ, तो प्रश्न क्रमांक 111 आपके सामने है। सवाल है कि निम्न में से कौन सा सदिश समष्टि आर क्यूब की उपसमष्टि है, मतलब समुच्चय आर क्यूब का उपसमुच्चय पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा सदिश समष्टि आर क्यूब की उपसमष्टि है, मतलब आर क्यूब का यहाँ पे उपसमुच्चय पूछा जा रहा है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर कोई प्लीज़ बता सकता है इस क्वेश्चन को, 111 को, तो ज़रूर बताइए। ठीक ना, आर क्यूब की उपसमष्टि क्या है? देख ही नहीं रहा सर, स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्वेश्चन आपका। अच्छा, सो सॉरी सर, हमने स्क्रीन ऑन करना भूल गए थे, एक बार इसको ऑन कर देते हैं। उदय सर जुड़े हैं सर क्या? ई गुरुकुल से हमारे कौन से सर जुड़ते हैं, नाम बता दें प्लीज़ अपना, काफ़ी बार आते रहते हैं। अब दिख रहा है सर? हाँ जी सर, जी सर, अब दिख रहा है। ओके। ये क्वेश्चन है सर, निम्न में से कौन सा सदिश समष्टि आर क्यूब की उपसमष्टि है, इसमें से कौन सा सदिश समष्टि आर क्यूब की उपसमष्टि है? इसका सर ये जो है, ये वो है सर, वेक्टर स्पेस वाला कंसेप्ट है सर ये। तो मेरे को इसकी अच्छी खासी जानकारी नहीं है सर कुछ भी, ये सब ग्रेजुएशन का पार्ट है तो थोड़ा सा कंफर्म नहीं मेरे को। चलें सर आगे, किसी के पास शायद इसका आइडिया नहीं है, आगे चलें क्या सर? जी सर, मैंने भी नहीं देखा सर काफी टाइम से। जी सर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन लोग डिस्कस करेंगे, ग्रुप में डाल देते हैं, कोई शायद बता देगा, देखते हैं बाद में, यदि किसी को जानकारी होगी तो ज़रूर बताएंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 लिखे चलते हैं, 112। देखिए सर, जो रेखाएं एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy टेन थीटा, जो रेखाएं एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy टेन थीटा वाई साइन स्क्वायर थीटा से निरूपित होती हैं, एक्स अक्ष से ऐसे कोण बनाती हैं जिनकी स्पर्श जाओं का अंतर क्या है? ओके, मतलब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पर्श जाओं का अंतर निकालना है, मतलब टेंजेंट का डिफरेंस हमको चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे हमको टेंजेंट का डिफरेंस चाहिए है, मतलब M1 माइनस M2 चाहिए है। तो सर देखिए, नॉर्मली मेथड से यदि जाया जाए इसको, तो ये मेरे ख्याल से रेखा युग्म का समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण को यदि मैं लिखता हूँ सर, तो ये समीकरण है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, और माइनस टेन थीटा प्लस 2hxy होता है, तो प्लस 2h की जगह माइनस टेन थीटा इंटू एक्स वाई एन प्लस बी वाई स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर। तो यदि जो समीकरण होता है अपने पास में, सरल रेखा का समघाती समीकरण, ई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर से यदि इसकी तुलना की जाए इक्वल टू 0 से, जो कि मूल बिंदु से जाती है, तो ए का मान यहाँ पर कितना है जी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए का मान हो गया है। ओके, एच का मान कितना है, एच इक्वल टू है यहाँ पे माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे बी इक्वल टू है कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो तीन चीज़ें तो अपन ने लिख ली यहाँ पे। और अब ये जो है, ये समीकरण दो रेखाओं को निरूपित करेगा, एक होगा वाई बराबर M1x और एक रेखा होगी वाई बराबर M2x, दो रेखाओं को निरूपित किया जाएगा, y बराबर M1x और y बराबर M2x। ठीक, तो अब इसके आगे, अब कह रहा है कि ये जो रेखाएं हैं ये x अक्ष के साथ कोण बनाती हैं, तो अब कह रहा है उनकी स्पर्श जाओं का अंतर है, x अक्ष के साथ कोण बनाती हैं
और उनकी स्पर्शजाओं का अंतर है। मान लेता हूँ मैं सर कि एम वन बराबर है टेन अल्फा, कोण बनाती है, और एम टू बराबर कितना है टेन बीटा। एम वन बराबर है टेन अल्फा और एम टू बराबर है टेन बीटा। सो हम जानते हैं कि एम वन प्लस एम टू इक्वल टू कितना होता है, माइनस टू एच अपॉन बी हुआ करता है, माइनस का टू एच अपॉन बी। तो यहाँ पे माइनस का टू है, एच की जगह क्या है माइनस टेन थीटा, और अपॉन में बी की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, प्लस टू टेन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो टेन साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो टू कितना हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा। ये तो हो गया मेरे पास एम वन इंटू एम एम वन एम टू, और एम वन इंटू एम टू इक्वल टू कितना होता है, मूलों का गुणनफल ए अपॉन बी। ओके, तो यहाँ से ये जो अपने पास आता है इक्वेशन ए अपॉन बी, तो एम वन इंटू एम टू इक्वल टू ए अपॉन बी, तो ए कितना है अपने पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास में, बी की वैल्यू दी गई है साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, तो टेन में यदि साइन का डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपने पास क्या एम वन इंटू एम टू। अब हमारे पास कह रहा स्पर्शजाओं का अंतर, मतलब कुल मिला के हमें एम वन माइनस एम टू चाहिए, तो होल स्क्वायर लेकर के इसको यूज़ करना चाहेंगे, तो एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू, यहाँ से यूज़ हो जाएगा एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू हुआ करता है। इसकी वैल्यू आइए पुट करते हैं, तो एम वन माइनस एम टू होल स्क्वायर तो लेफ्ट साइड में चलेगा, एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर, एम वन प्लस एम टू आया है टू सेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो फोर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस फोर एम वन एम टू, तो माइनस का फोर एम वन एम टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस फोर सेक स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक मिनट, कॉट है ये, माइनस फोर कॉट स्क्वायर थीटा। चलो अब क्या किया जाए भाई, ऑप्शन वन टू थ्री फोर में आ रहा है, मतलब कि थीटा को गायब करना पड़ेगा। फोर कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो चुका है सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक है कॉट है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो बट यहाँ पे माइनस बैठा हुआ है। बताइए सर इसके आगे क्या किया जाए, फोर कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस फोर सेक स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा यदि कॉमन ले लिया जाए, तो यदि फोर सेक स्क्वायर थीटा यदि कॉमन ले लिया जाए तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन माइनस फोर कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, फोर सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मतलब कि हो गया ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉट स्क्वायर थीटा। लो तो अब क्या कर सकते हैं सर हम लोग, सर कॉट स्क्वायर थीटा और फोर कॉट स्क्वायर थीटा, फोर कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये फोर आ गया, तो एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर, अंडर रूट ऑफ फोर दैट इज इक्वल्स टू टू इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है सर टू। हाँ जी सर, तो किसी के पास कोई दूसरी कोई मेथड है जो बताना चाहे शेयर करना चाहे प्लीज़ तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है टू। ठीक है सर, चले आगे। जी क्वेश्चन नंबर 112 के बाद क्वेश्चन नंबर 113 में चलते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये आप नोट कर लें, इसकी जो रिलेशनशिप हुआ करती है किसकी क्वेश्चन में जो आई है रिलेशनशिप, एक बार मैं थोड़ा सा इसको डिक्टेट करवा देता हूँ कि अगर आपके पास कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर,
एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो अगर समीकरण है तो ये रेखा का समघातीय समीकरण होता है। इसमें दो रेखाएं होती हैं, वाई वन इक्वल टू एम वन एक्स और वाई टू इज इक्वल टू एम टू एक्स, ठीक है ना। तो ये दो रेखाओं के गुणनफल से ये समीकरण जो हुआ करता है ये बना करता है। तो यहाँ पर एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू हुआ करता है माइनस टू एच अपॉन बी, ठीक है। जो हमने पिछले में भी लिया है कि एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी और एम वन इंटू एम टू इज इक्वल्स टू ए बाई बी। इसको सभी लोग ये चीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 मिनट 1 मिनट दे करके, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो इसी से सॉल्व होगा। और कोई बता सकता है इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा किसी को आता है? टेन थीटा इज इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, क्लियर है? टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। चलिए ओके नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 113 पे है। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? यदि लाभ फलन पी एक्स इक्वल्स टू इतना है तो लाभ तब लाभ अधिकतम है यदि खरीदने और बेची गई वस्तु की संख्या एक्स है। यदि खरीदने और बेचने की वस्तुओं की संख्या एक्स है, ओके। तो आपको यहाँ पर अधिकतम लाभ निकालना है इसको। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे जो प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है, लाभ फलन पी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास में है कितना? माइनस 1/2 x² प्लस 32 x माइनस का 480। ये क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास लाभ फलन है, ठीक है ना। तो यदि अधिकतम और लाभ न्यूनतम के लिए dp/dx इक्वल टू जीरो कर देता हूँ सबसे पहले, तो माइनस 1/2 x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मित्रों 2x प्लस का 32 इक्वल टू कितना? जीरो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स प्लस 32 इक्वल टू जीरो। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? सही तो आ रहा है। तो एक्स इक्वल टू 32 आ गया, मतलब 32 पर जो है अधिकतम हो सकता है या न्यूनतम हो सकता है, बट अपन को ये पता नहीं है कि अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, क्योंकि ऑप्शन में चॉइस ही नहीं है अपने पास। तो अधिकतम का ही आंसर आएगा, बाकी डबल डेरिवेटिव जिंदाबाद। तो इसको डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगा, तो d²p/dx² जो कि आ रहा है कितने पर? -1। तो -1 मतलब लेस देन जीरो, मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। तो अधिकतम लाभ के लिए आंसर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 113 डन, 112 भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 114, ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण जो बिंदु 1, -2 की ओर जाती है और दोनों अक्षों से बराबर अंत्यखंड काटती है। तो एक तो चीज़ है कि भैया आप पुट करके यहाँ पर सेटिस्फाई करा लो, और दूसरा चीज़ कोई खास क्वेश्चन नहीं है, अंत्यखंड बराबर हैं। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो बिंदु पुट कर दीजिए 1, -2, तो 1 -2 इक्वल टू ए, ए इक्वल टू -1, तो एक्स अपॉन -1 प्लस वाई अपॉन -1 इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 हो गया, यानी एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत ही सामान्य सरल सवाल है ये। तो 114 का जो आंसर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 114 नंबर हो चुका है। 114 के बाद 115, यदि वृत्त इतने की त्रिज्या 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल सवाल, 11वीं क्लास का डायरेक्ट सवाल है बुक से, और मेरे ख्याल से सभी को बन जाएगा। देखिए यहाँ पे
तो त्रिज्या का मान कितना होता है, त्रिज्या का मान होता है आर स्क्वायर बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। यदि आप स्क्वायर कर दें इसका तो त्रिज्या का मान 11 का वर्ग 121 है, जी का स्क्वायर देखिए 2g माइनस 18 है, तो 18 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36 और प्लस माइनस सी तो माइनस ऑफ के हो जाएगा, क्योंकि प्लस के है तो माइनस के हो जाएगा। तो 121 इक्वल टू 8 और 6 और 1 7 और 8 और 3 कितना हो गया 11। तो भाई साहब के इक्वल टू ये क्या हो रहा, कुछ गड़बड़ी हो रही क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो जी स्क्वायर 2 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, एफ स्क्वायर 6 12 हो जाएगा और आर स्क्वायर इक्वल टू अपन को 11 दिया हुआ है, तो त्रिज्या 11 है तो 11 का वर्ग 121 हो गया माइनस के। ओके 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 ओके, तो के की वैल्यू बोल रहा है ना, तो 117 चार तो आंसर आ रहा है सर, मगर ये थोड़ा डिस्टर्ब सा लग रहा है, के की वैल्यू माइनस चार आ जाएगी मतलब, हाँ है ऑप्शन में, ओह सॉरी, तो 100 माइनस के इक्वल टू 117 121 माइनस 17 चार, तो के इक्वल टू माइनस 4। अरे हम बेवजह भावुक हो रहे हैं, आंसर है तो माइनस 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु ए जो कि रेखा 3x प्लस 5y पर स्थित है निर्देश अक्षों से समान दूरी पर है तो यह स्थित होगा। ओके, यदि बिंदु ए रेखा 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 पर स्थित है, तो देखिए भाई साहब जो रेखा यहाँ पे जा रही है वो कैसी बनेगी अपने पास में, वो बनेगी x अपॉन 5, ये रेखा जो अपने पास बनेगी, यहाँ पर 5 का अंतःखंड है तो 5,0, ओके, और यहाँ पर कितना है 0,3 पर स्थित है, और यदि बिंदु ए निर्देशाक्षों से समान दूरी पर है, मतलब जितनी इसकी x अक्ष से दूरी है उतनी इसकी y अक्ष से दूरी है, तो भैया कहाँ पर होगा ये बिंदु, कहाँ पर होगा, तो यदि ऑब्जर्व किया जाए तो वो यहाँ कहीं पर बीच में हो सकता है शायद, क्योंकि जितनी x अक्ष से दूरी है उतनी y अक्ष से दूरी है ना। अब देखिए x अक्ष से अगर मान लीजिए बिंदु x कॉमा y है, तो बिंदु x कॉमा y कहीं पर भी हो तो उसकी x अक्ष से लंबवत दूरी y कहलाती है और y अक्ष से लंबवत दूरी x कहलाती है, और जब दोनों बराबर होंगी तो x इक्वल टू y हो जाएगा। तो आइए पुट कर देते हैं इसमें, x इक्वल टू y की वैल्यू k ले लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे 3k प्लस 5k इक्वल टू 15, ठीक है जी, यहाँ पे तो 3k प्लस 5k इक्वल टू हो गया 8k बराबर 15, सो k बराबर 15/8 और दोनों ही पॉइंट के के हैं तो 15/8 कॉमा 15/8 दोनों ही धनात्मक आ रहे हैं, तो आंसर होना चाहिए प्रथम चतुर्थांश में। 116 का आंसर बिल्कुल सही है, प्रथम चतुर्थांश में ही है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 116 होने के बाद 117। प्रश्न क्रमांक 117, चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करना पड़ेगा 117 का। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 है, इसके दो शीर्ष 2 1 और 3 माइनस 2 हैं तथा तीसरा शीर्ष इस रेखा पर स्थित है, तो वह शीर्ष क्या होगा। एक त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हुए हैं, चलिए ठीक है इसके दो शीर्ष मान लीजिए, एक दो दो शीर्ष हैं, एक है 2,1 और दूसरा है 3,-2 और तीसरा जो शीर्ष दिया है ये एक सरल रेखा जा रही है y इक्वल टू x प्लस 3, तो यहाँ से जो है y इक्वल टू x प्लस 3 है, तो यदि मैं इसके शीर्ष को मान लूँ h k, तो यदि मैं इसको h मान लूँ तो h, प्लस 3 हो जाएगा इसका शीर्ष, h, प्लस 3 ये इसका शीर्ष हो जाएगा, मतलब जो भी होगा वो 3 ज़्यादा होगा, तो देखिए 3 ज़्यादा हो गया तो 8 जो y इक्वल टू x प्लस 3 है तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, और 3 ज़्यादा मतलब y वाला दूसरा वाला पहले वाले से 3 ज़्यादा, तो 5/3
मतलब वाई और एक्स का डिफरेंस 3 होना चाहिए कुल मिला के। तो यदि इसको हम निकालते हैं तो 5/3 और 8/3 का डिफरेंस, ये भी गलत आ रहा भाई साहब, ये भी बिल्कुल नहीं है सही। और यदि इसको हम निकालते हैं वाई और एक्स का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो 13/2 और माइनस का 7/2, तो 13 और 7 है ना, 7 6 13 और 2 गए तो 3, तो ये डिफरेंस आ रहा, मतलब ये आंसर हो सकता है। अब लास्ट बची इसकी बात, इसको चेक कर लेते हैं। तो 9/7 का 7/3 के साथ डिफरेंस कितना होएगा, देखिए 7 और 3 को प्राइम है, तो 7 3 21 हो गया एलसीएम इसका, और 7 का डिवाइड किया 3, तो 9 3 27, और 3 का डिवाइड किया तो 9 और 7 9 63 63। ये देखिए ये तो माइनस में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर शॉर्ट ट्रिक से कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। कुछ करना भी नहीं पड़ा। मैं चाहूँगा किसी से इसकी फुल मेथड बनती है तो प्लीज़ बताइए, यदि किसी के पास इसकी फुल मेथड है तो बताइए कैसे करेंगे इसको हल। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या लग सकता है, देखिए इस पे वो टेक्निक लग सकती है, वो एरिया वाली जो थी, एच और के वाली टेक्निक लग सकती है। हाँ जी मित्रों, सर जी किसी के पास है कोई इसका आइडिया करने का? क्या आइडिया हो सकता है, देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि आपके पास में जो है एरिया होता 1/2 और उसके अंदर बॉक्स के अंदर लिखते हैं इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 5, ठीक है ना, तो 5 हो जाएगा और इसके दो आंसर आएंगे क्योंकि मॉड हटता है, तो एरिया जो होता है प्लस माइनस दो सिचुएशन बनेंगी, मगर अपन तो शॉर्ट ट्रिक है तो पहले आंसर के आंसर इस फॉर्म से ऐसे आ जाएगा। वो बात की बात है, अगर आंसर अपना सपोर्ट नहीं करता तो एक दूसरी बात है, बट फिलहाल तो कर गया तो कोई बात ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, देखिए मित्रों, एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर हैं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई। ये मेरे को 9वीं क्लास का क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक ना, इंसर्ट करो भाई, किससे आता है सर्कल, शेप से आएगा। चलिए तो अपन इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल हमने ले रखा है, ये लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है, ये उठा के इसको हमने यहाँ रख दिया। चलिए किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो केंद्र के एक ही तरफ है, तो ये मैंने केंद्र संभाल लिया, इसको केंद्र मान लिया मैंने, और केंद्र के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं और क्रमशः है केंद्र के एक ही ओर है जिनकी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब बड़ी वाली जो है वो 8 सेंटीमीटर है जीवा, और छोटी वाली जो है ये 6 सेंटीमीटर है जीवा। चलिए तो केंद्र से खींचा गया लंब जो होता है जीवाओं को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ से क्या करेगा, 8 सेंटीमीटर ये 4 4 में बढ़ जाएगा और ये 3 3 में बढ़ जाएगा, और ये 4 है और ये त्रिज्या बन जाएगी, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो कह रहा है यदि उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ओके, यदि दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वृत्त के व्यास की लंबाई, मतलब पहले अपन को त्रिज्या चाहिए, लियो भाई तो क्या किया जाए, इसको किस तरीके से किया जाए, देखिए बस इतना पता है कि वृत्त के एक ही ओर है 8 सेंटीमीटर एक जीवा है, दूसरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ऊपर वाली 4 4 में बढ़ जाएगी और नीचे वाली 3 3 में बढ़ जाएगी। चलिए क्या किया जाए, देखिए ये 1 है, इसको x मान लेते हैं, इसको यहाँ तक को हम x मान लेते हैं, और टोटल त्रिज्या कितनी है r, तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे सामने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ये त्रिभुज भी बन रहा है और एक ये त्रिभुज भी बन रहा है। बताइए सर लोग कैसे करेंगे इसको, जल्दी से बताइए थोड़ा। देखिए जो पहली वाली सिचुएशन में ये त्रिज्या आर है, तो पहले वाले त्रिभुज में ले लीजिए, कैसे करेंगे भाई, पहले वाले त्रिभुज में आर का स्क्वायर
इक्वल टू आर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर यानी कि 16। आर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर 16, नंबर वन दे दीजिए। अब दूसरा जो त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज में त्रिज्या तो आर ही रहेगी, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 9, समीकरण नंबर दो। अब आर स्क्वायर दोनों बराबर हैं तो यहाँ कंपेयर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9। अब लॉजिक से पहले सोच लो कि भाई साहब ऐसा क्या हो जाएगा कि ये बराबर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर अपन 3 लेते हैं तो देखो जी यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और यहाँ पर 3 और 1 4, तो बिल्कुल सही है, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। लियो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो क्योंकि लॉजिक से लगा लिया, तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी कि 25, तो आंसर आर बराबर कितने सेंटीमीटर, ओए मर गए, 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। तो भैया अपन को व्यास निकालना था ना, तो व्यास क्या होता है 2R, तो भाई साहब आ गया 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। देखें आंसर 10 सेंटीमीटर, एकदम सही। चलिए जी अगला क्वेश्चन चलते हैं। गोला मिल गया, गोला गोले की त्रिज्या जो कि बिंदु इतने 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 से होकर के जाती है, तो देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मूला इस टाइप का हुआ करता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको दिला दूं पहले याद। अब सबसे पहले इस गोले का समीकरण देख लो जी, ये गोला जो है ये 3 बिंदु 0 A0 A0 0 0 B0 और 0 0 C से होकर के जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एक बिंदु x अक्ष पे है, एक बिंदु y अक्ष पे है, और एक बिंदु जो है z अक्ष पे है। तो फिर से ये गोला ले लेते हैं अपन, और अपन को इसका ज्ञात करनी है क्या, त्रिज्या। तो जहाँ तक मेरे को इसका वर्ग समीकरण याद होता है, देखो आप देखो यहाँ पे गोले का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस डी इक्वल टू 0, ये होता है गोले का जनरल फॉर्म, है ना जी। तो यहाँ पर इस गोले को हल करने पर मेरे ख्याल से जो इक्वेशन आता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ, और भाई साहब मूल बिंदु से होके जा रहा है तो कांस्टेंट टर्म होएगा नहीं। अब निकालने की रह गई बात रेडियस की, तो रेडियस होती इसकी कितनी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का डी, ये होती है। तो यू तो यहाँ पे 2u बराबर कितना है माइनस ए, तो u बराबर कितना हो जाएगा माइनस a/2, मतलब a² / 4 प्लस b² / 4 और प्लस c² / 4। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ओके इसका आंसर आना चाहिए है 1/2 अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c². देखिए बहुत लेंदी प्रोसेस होती है इससे ये समीकरण निकालने की, पुट करके 3 बार पुट करना पड़ता है, फिर गोले को हल करना पड़ता है, तो यू की वैल्यू आती है, वी की वैल्यू आती है, डब्ल्यू की वैल्यू आती है। मैं आपको बता देता हूँ, यू की वैल्यू आती है -A/2, वी की वैल्यू लिख तो ही दिया यहाँ पे, वी की वैल्यू आती है -B/2 और सी डब्ल्यू की वैल्यू आती है -C/2। उसको पुट करके फिर ये समीकरण बनता है, आप लोग ये समीकरण याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार डिटो रिपीट हुआ है यूपी TGT PGT में, TGT में रिपीट हुआ है, PGT में नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन डिटो रिपीट हुआ है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, इसका तो सही सी हो गया, सही जवाब। लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन क्रमांक 120, दो बलों P तथा Q का परिणामी, दो बलों P तथा Q का परिणामी RP से समकोण पर कार्यरत है, ओके। मतलब क्या होता है देखिए, अपने पास में अगर यदि ये बल P है और ये बल Q है, और इसका परिणामी अगर जाता है R, और अगर ये कोण अल्फा बनाता है, तो हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं टेन अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, हाँ जी यही होता है। अब क्या कह रहे, दो बल पी तथा क्यू का परिणामी पी से समकोण पर कार्यरत है। लो जी
मतलब पी से इसका एंगल जो अल्फा बन रहा है वो कितना है, समकोण यानी पाई बाई टू यानी 10 पाई बाई टू। ओके, ऊपर क्या हो गया क्यू साइन थीटा, और नीचे क्या है अपने पास में पी प्लस क्यू कॉस थीटा। 10 पाई बाई टू का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/0 इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। कारण मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए पी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ओके, पी प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ जी पी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा ना, 0 से मल्टीप्लाई तो हो गया, तो माइनस पी। ओके, सो क्यू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस पी, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस पी बाई क्यू। लेट मी चेक द आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट गाइज। यस एब्सोल्यूटली करेक्ट, सो द एंगल अल्फा वी आर टॉकिंग अबाउट विच क्वेश्चन, थीटा। ओके, तो इन दोनों के मध्य का कोण जो होगा थीटा जो होगा, दोनों सदिशों के बीच का कोण, दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा, कॉस इनवर्स माइनस पी बाई क्यू, कॉस इनवर्स माइनस पी बाई क्यू, तो आंसर बी है करेक्ट आंसर। चलिए 120 हो गया, आइए 122 पे अबेलियन ग्रुप ग्रुप थ्योरी आ गई। ग्रुप थ्योरी को देख के ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्वेश्चन आते ही नहीं, बनते ही नहीं ग्रुप थ्योरी का। क्या है भाई क्वेश्चन, देखते हैं फिर भी एक बार ट्राई करेंगे, रटा हुआ तो बन जाएगा नहीं तो गया काम से। क्वेश्चन नंबर 121 पढ़ेंगे। कह रहा है कि सक्रिय समूह ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 4 ई के जनक हैं। ओके, इनके जनक कौन है, ए की पावर स्क्वायर, ए की पावर 3, इनके जो जनक हैं वो कौन है। तो ये सब के सब जो हैं ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 3 ए की पावर 4 इक्वल टू ई, आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया। इक्वल टू ई का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, युवराज बंद करो बेटा। ए स्क्वायर ए क्यूब ए 3 ए की पावर 4, जनक जनक बताओ है इनके। यदि हम इनकी जगह, चलो चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं समझ में आ जाएगा। यदि हम इसकी जगह 2 ले लें, 2 की पावर 2 यानी कि 4 ले लें, 2 की पावर 3 यानी कि 8 ले लें, और 2 की पावर 4 यानी कि 16 ले लें, तो इसके जनक बताओ, 2 4 8 16 का आपको जनक बताना है। 2 4 8 16 के आपको जनक बताने हैं। तो क्या होता है, इससे भी समझ में नहीं आ रहा हमें, तो छोड़िए इसको डाल देते हैं ग्रुप में, शायद कोई बताएंगे इसका आंसर। इधर पे कोई जवाब देना चाहता है तो प्लीज़ भाई, रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज़ जवाब दीजिए इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई साहब। यदि एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो तो क्या कंडीशन बनेगी। यदि एक चतुर्भुज ABCD की ठीक है, यदि एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो एक काम करिए एक वृत्त बना लीजिए और इस वृत्त के चारों तरफ स्पर्श रेखा ही स्पर्श रेखा बना लीजिए। ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और ये भी स्पर्श रेखा है, सब कुछ स्पर्श करते हुए जा रही हैं, ABCD, ठीक है ना, चारों स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कौन सी कंडीशन सही बनेगी, ये देखिए यहाँ से 10th क्लास का क्वेश्चन है। AB इक्वल टू इसका नाम M, इसका नाम N, इसका नाम O, इसका नाम P ले लीजिए, तो AM इक्वल टू कितना हो जाएगा AP, तो यहाँ पे AP इक्वल टू AM, और DP इक्वल टू OD, OD ठीक है,
तो AC आ गया यहाँ पे अपने पास में, AC नहीं, AP और PD, तो AD बन जाएगा, ठीक है, और AM और OD, चलो अभी और लिखना पड़ेगा। तो जिस तरफ AP क्या बन रहा है, AD बन रहा है, AD कहाँ बन रहा है भाई साहब, ये बन रहा है, तो AD के साथ में BC बनाना पड़ेगा, तो BN प्लस NC, तो BN इक्वल टू MB और NC इक्वल टू OC, चलो चारों को जोड़ दो, तो AP प्लस DP कितना हो जाएगा, AD, और BN प्लस NC इक्वल टू BC इक्वल टू AM प्लस MB यानी कि AB, और ये हो जाएगा DC, सो AD प्लस BC इक्वल टू BC प्लस AD, ठीक है, यहाँ पे BC प्लस AD इक्वल टू AB प्लस CD, करेक्ट आंसर है D, और वैसे रट लीजिए डायरेक्टली, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इक्वल टू नीचे वाली प्लस इधर वाली, मतलब आमने सामने की साइड का सम इक्वल होता है, बस यही थ्योरम बन जाएगी, AD प्लस BC इक्वल टू AB प्लस DC, तो ठीक है, आमने सामने की साइड का सम जो होता है वो इक्वल होता है। 122 हो गया, अब आ जाओ 123 पे। ओके, ये भैया ये क्वेश्चन 12वीं क्लास का, इसको नहीं कर पाएंगे अपन, मतलब कर नहीं पाएंगे, इसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके, ये लो भाई साहब आ गई डरावनी स्टैटिस्टिक्स डायनेमिक्स, तीन रेखा एक ही गेंद, तीन गेंद एक ही रेखा में विरामावस्था में है, उनके द्रव्यमान गुणोत्तर श्रेणी में है, जिनका सर्वानुपात इतना है, प्रत्यास्थता गुणांक इतना है, यदि पहली गेंद को यू वेग से, इसमें एक थ्योरम होती है, रटने वाला फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, बट वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, छोड़ना ही पड़ेगा। तीन गेंद एक से सीधी रेखा में विरामावस्था में है, उसके द्रव्यमान गुणोत्तर श्रेणी में, सर्वानुपात इतना है, प्रत्यास्थता गुणांक कितना है, हाँ, तो पहली गेंद को दूसरी गेंद से यू वेग से चला दिया जाए, तो तीसरी गेंद में उत्पन्न वेग, अगर एक ही गेंद होती तीन टक्कर के बाद अगर लौट करके आती तो उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, मगर इसके लिए तो कोई शॉर्ट ट्रिक मेरे को नज़र में आ नहीं रही है, तो भाई साहब ये क्वेश्चन भी अपने बन से बनने में रहा, और इसका तो ऑप्शन देख के ही हम चकरा गए हैं, दोनों क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 124 और 125 में यदि कोई बताना चाहता है तो ज़रूर बताइए, कोई ऑप्शन इसका सजेस्ट करना चाहेंगे तो ज़रूर बताइए, इसका आंसर सजेस्ट करना चाहें तो बताइए। चलिए तो ठीक है, ये यहाँ पर जो है अपना एक टॉपिक, एक अपना पेपर जो है इसको कंप्लीट कर दिया अपन ने, इसमें कुछ क्वेश्चन बेहतर बेहतर थे जिनमें गोला लगा हुआ है, उनको आप लोग बाद में बताइएगा कि उसको कैसे करते हैं, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उनको करके बताइए आप लोग, देखते हैं उन क्वेश्चंस को। चलिए तो क्या है क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आपको बताना है कि क्षेत्रफल बताना है, आपके पास एक का कर्व दिया गया है, वाई इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, और दूसरा क्षेत्र दूसरा कर्व आपके पास दिया गया है, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस का वन, इन दोनों के बीच का आपको बताना है कि घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए शुरू हो जाइए, इसका क्षेत्रफल बताना है, आप कैसे बताएंगे सोचिए जरा। तो हमारे पास दो कर्व हैं, एक है वाई इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन, तो देखिए इसको थोड़ा ग्राफ बनाना है, इसमें आपको आना चाहिए है, तो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ सबसे पहले बना लीजिए, तो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, यहाँ से ये हुआ करता है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और कह रहा है इसको वन से शिफ्ट कर दो, मतलब ऊपर की तरफ इसको वन से ला दो, तो हम जो अपना डिजायर्ड ग्राफ बना रहे हैं वो हम यहाँ पे बना रहे हैं जो अपने काम का है, तो वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स ये हो गया,
अब इसको कितना शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, वन। तो ये पॉइंट सपोज वन है तो ये अपना आ गया y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। तो ये मॉड एक्स है और इसको कितने से शिफ्ट करना है, नीचे माइनस वन से। तो इस ग्राफ को भैया नीचे माइनस वन से शिफ्ट कर दो। तो ये माइनस वन से शिफ्ट कर दिया आपने इस ग्राफ को, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ये देखिए। और ये इस पॉइंट पे यहाँ से क्रॉस करके दोनों ही जाएंगे। ध्यान से देखिए ये दूरी कितनी है, ये वन है, ये वाली भी दूरी कितनी है, ये वन है। ओके, और ये दूरी भी कितनी है, वन है, क्योंकि शिफ्टिंग कितने से हुई है, ऊपर भी वन से हुई है और नीचे भी शिफ्टिंग कितने से हुई है, वन से हुई है। अब आप पूछेंगे सर ये वाली चीज़ ऐसी क्यों बन रही है, ये वन क्यों होगा? तो ध्यान से देखिए जब आप हल करते हैं, गोविंद सर आपका माइक ऑन है, कृपया करके माइक बंद कर लीजिए सर जी, म्यूट कर लीजिए मेरे सर सर जी। तो इसको फिर जब रिप्लाई करेंगे तब आप ऑन कर लीजिएगा जी सर। तो देखिए यहाँ पे वन वन है, तो क्योंकि यहाँ पर यदि आप इसको ओपन करते हैं ना, तो वाई इज इक्वल टू धनात्मक के लिए एक्स माइनस वन बनेगा। तो साफ साफ दिख रहा है यदि इसको अंत्यखंड रूप में अपन ले जाएं तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन, मतलब एक्स का भी जो अंत्यखंड है वो भी वन है और वाई का अंत्यखंड कितना है, माइनस वन है, ठीक है ना। तो एक्स का अंत्यखंड वन जा रहा है और वाई का अंत्यखंड माइनस वन जा रहा है, मतलब सभी में अपने पास में ये हो गया ऐसा। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए इसकी भुजा। तो रूट टू ये हो गया, ये कितनी हो जाएगी, वन वन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी कितनी हो गई, रूट टू हो गई, रूट टू हो गई। तो भाई साहब इसका क्षेत्रफल चाहिए हम लोग को, तो क्या होगा आंसर, क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर भुजा गुणे भुजा, रूट टू मल्टीप्लाई बाई रूट टू, मतलब रूट टू का स्क्वायर बोले तो टू। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों कर्व के बीच का एरिया जो होगा वो कितना होगा, रूट टू, इस टू यूनिट, टू स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए जी अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके पास में, आपको कर्व का एरिया फाइंड करना है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू फोर, ठीक है ना। कर्व आपके पास क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू फोर से बद्ध क्षेत्रफल का। यू नीड टू फाइंड द एरिया शेडेड बिटवीन द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू फोर। सो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, मतलब ये एरिया जो जाएगा पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा और वाई इक्वल टू फोर लाइन ये रहेगी। तो आपको जो एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, तो क्या बेटर रहेगा। देखो अगर आप इसको एक्स में इंटीग्रेट करते हो तो बेवजह माइनस करने का चक्कर पलेगा इसमें। तो एक काम करिए आपको, क्योंकि कर्व का एरिया फाइंड करना है, ओके, और जीरो से वाई इक्वल टू फोर के साथ फाइंड करना है, तो बेशक आप क्या करिए, आप सीधे इस कर्व का एरिया जो है वाई एक्सेस के साथ निकाल लीजिए। मतलब क्या लगाना है आपके पास में, आपको लगाना है एक्स डी वाई, और लिमिट क्या चलेगी अपने पास में, जीरो से लेके फोर, और दो बन गुना कर दीजिएगा क्योंकि जो काम राइट में हो रहा है वो काम लेफ्ट में हो रहा है, तो उसको दो गुना करना पड़ेगा। सो यू कैन राइट इट, सॉल्व कर सकते हैं, जीरो से लेके फोर एक्स की वैल्यू पुट कर दो भाई साहब यहाँ से, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट वाई, यानी वाई की पावर वन बाई टू डी वाई। लो टू वाई की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, पलटी मार के क्या हो गया, टू बाई थ्री, और वाई की पावर कितना है यहाँ पे, थ्री बाई टू, तो टू टू ज़ा फोर बाई थ्री, ओके, थ्री बाई टू पुट करिए तो फोर की पावर थ्री बाई टू यानी कि फोर रूट फोर और माइनस जीरो, फोर बाई थ्री, फोर तो फोर है, रूट फोर कितना हो गया टू, चार दो ने आठ, आठ चौके 32, तो आंसर आ गया 32/3 स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 32/3 स्क्वायर यूनिट। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपने पास में। देखिए अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए
साइन ए बाई टू। ओके साइन ए बाई टू, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं त्रिभुजों के गुणधर्म में। साइन ए बाई टू का फॉर्मूला कौन बताएगा? साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू का फॉर्मूला हुआ करता है। साइन ए बाई टू का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ए, ओके, अपॉन एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये होता है ना सर फॉर्मूला, किसी को याद है? चलिए छोड़िए, नहीं बता रहे हैं कोई भी। काफी लोग जुड़े हुए हैं, किसी को नहीं याद है त्रिभुज के गुण का फॉर्मूला? भाई साहब बोलिए एक बार, काफी लोग जुड़े हुए, देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं, तीन तीन लोग जुड़े हुए हैं मेरे अलावा। चौधरी सोनू, गोविंद शर्मा जी, चारू, तो प्लीज बताइए अगर आपको साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू का इसका फॉर्मूला याद है तो बताइए एक बार क्या होता है, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए आपके पास दिया गया है 4, ए इक्वल्स टू 4 है, बी इक्वल्स टू 3 है, एंड एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री है, तो आपको बताना है सी किस समीकरण का रूट होगा, सी जो है किस समीकरण का मूल होगा, का मूल होगा। ओके सो व्हाट आई मीन टू से गाइस, इफ ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3 एंड एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, देन देन सी इज द रूट ऑफ विच ऑफ द इक्वेशन। सो हमारे पास देखिए सी की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है और एंगल ए की फॉर्म में दिया गया है, सो बेटर वी कैन पुट एंगल कॉस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 BC, ये होता है। तो यदि इसको पुट कर देंगे तो कॉस ए कॉस 60 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए सी स्क्वायर पता नहीं माइनस ए स्क्वायर 16 अपॉन 2 इंटू बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू अननोन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 16, 9 में से सी स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 3 C, लो आ गया इक्वेशन, सी स्क्वायर माइनस 3 C और माइनस का 7 इक्वल टू कितना, 0, सी स्क्वायर माइनस 3 C माइनस 7 इक्वल टू 0। ये है वह समीकरण जिस सी के पदों में समीकरण है, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये सी का समीकरण हमारे पास आ चुका है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यूपी टीजीटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास में। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, कह रहा है कि कोई आपके पास में रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर जो है जिसमें पी क्यू और पी आर इक्वल हैं, इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल पी क्यू इक्वल टू पी आर। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक पहले सर्कल बना दूं, फिर ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। लो भाई सर्कल उतर गया मैदान में। ये आपके पास में सर्कल है, इसका कहना है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक इसके अंदर एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये मैंने बना लिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मैंने इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रखा है पी क्यू आर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर, कह रहा जो इसकी रेडियस है इस सर्कल की, तो इस सर्कल की रेडियस भाई साहब कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये सेंटर है तो सेंटर से मिलान कर दीजिए इसकी रेडियस का, यहीं कहीं तक इसकी रेडियस मिल जाएगी। ओके तो देखिए ये अपन ने इसकी मिलान कर दिया, ये इसकी रेडियस है, चलो भाई ये इसका मिलान हो गया, कह रहा है कि ये इसकी रेडियस है, ठीक है ना?
अच्छा ये रेडियस है तो ये भी क्या है, ये भी रेडियस है तो ये इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, और ये भी क्या है भाई, ये भी रेडियस है, ठीक है। और इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलस ट्रेंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी आर, और ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, वाह भाई क्या बात है, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो यदि इस ट्रायंगल को आप देखो, इस पूरे ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल जो है आइसोसेल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया। मतलब कैसा त्रिभुज बन गया, ये बन गया अपने पास में समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक ना, ये अपने पास में बन चुका है समबाहु त्रिभुज। तो आइए समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री, ये कोण कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री, ओए भाई साहब पूरा ले लो, और ये कोण भी कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, अभी तक तो मैंने क्वेश्चन की बात ही नहीं करी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देन एंगल पी कितना होगा, एंगल पी संपूर्ण कितना होगा। ऑप्शन दिया गया है π/6, π/3, π/2 और 2π/3। तो भाई साहब 60 ये है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, तो ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, तो 60 + 60 इक्वल टू 2π/3, यानी कि 120 डिग्री। जी चलो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आंसर भी इसका। आगे चलेंगे। ओके एक सेकंड जी, किसी का मैसेज आया है। संजय जी आपने हाथ उठाया, क्या बात है, स्टडी विद संजय जी, कुछ पूछना चाहते हैं बताइए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी इज अ कॉर्ड विद सर्किल, तो कोई कॉर्ड है, सर्किल बना लीजिए सबसे पहले। ओके तो एक सर्किल बना लेते हैं, सर्किल में कोई ए बी कॉर्ड है ऐसा कहा जा रहा है, ये हमने एक सर्किल बना लिया है। अब इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए बी इज अ कॉर्ड, तो ए बी अपन कहीं पे भी कॉर्ड बना लेते हैं। लियो जी यहाँ पे अपन ने एक कॉर्ड बना ली ए बी, तो कह रहा है ए बी एक वृत्त की जीवा है और ए ओ सी इसका व्यास इस प्रकार है। बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ से व्यास से होके जा रही है, लियो भाई बहुत शानदार, मतलब यहाँ पे केंद्र होगा तो केंद्र को तो ओ बोल दो, क्योंकि इसका नाम तो सी दे दियो, मिला दो भाई इसको, क्योंकि इसके ज़िंदगी में मिलना ही होगा। तो ये एंगल तो पहली चीज़ पता चल गई भाई साहब अपन को, 90 डिग्री है, मिला दिया। ए ओ सी इसका व्यास इस प्रकार है कि एंगल ए सी बी बराबर 50 डिग्री, एंगल ए सी बी बराबर 50 डिग्री, ए सी बी भाई सी को किधर ले लें, कुछ तो आगे बोलो, ए सी बी बराबर 50 डिग्री, यदि वृत्त के ए सी बी, अच्छा ए बैठा है, सी बैठा है, ये बैठा है, बी बैठा, ओके 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 जी, ये बैठा है 50 डिग्री, ठीक, ए सी बी बराबर 50 डिग्री, यदि वृत्त के बिंदु ए पर ए टी स्पर्श रेखा है, तो ये देखिए ये बन गई स्पर्श रेखा ए टी, तो क्या कहना है इनका, तो कहना है कि एंगल बी ए टी बराबर होगा, एंगल बी ए टी, ये जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है ना जी। तो देखिए एक तो इसको एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए कि अगर ये 50 बनता है तो ये भी 50 बनता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली है, अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए ये 50 है, ये 90 है, ओके तो ये कितना होगा भाई साहब, ये होगा 40, ओके, और आपको पता है कि ये टोटल 90 होता है, तो ये कितना हो गया 50, लियो भाई, तो घटिया सा क्वेश्चन था एकदम, ठीक है ना, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके चलिए जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन भी हम डायरेक्टली एग्जाम का आया हुआ है उठा रहे हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन का कहना है कि ये आपके पास में एक दिया गया है वृत्त, ओके जी, आपके सामने जो है एक वृत्त यहाँ पर दिया गया है,
और इस वृत्त के अंदर जो है एक रेगुलर हेक्सागन बनी हुई है, इस वृत्त के अंदर जो है रेगुलर हेक्सागन बनी हुई है। मेरे पास हेक्सागन दिख जाए तो यदि यहीं से मैं उठा लूँगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, चलो भाई दिख गई। तो यदि इसके अंदर जो है एक रेगुलर हेक्सागन बनी हुई है, लो अब ये रेगुलर तो नहीं समझ में आ रही भाई साहब अपन को, क्योंकि इसकी साइड एक बड़ी है और एक छोटी है, बट फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट एडजस्ट करता हूँ शायद हो जाए। चलो अब थोड़ी सी ये रेगुलर हेक्सागन समझ में आ रही है, रेगुलर हेक्सागन मतलब सम षटभुज। चलिए जी, एक एक वृत्त के अंतर्गत बने सम षटभुज की त्रिज्या आर है, मतलब अंतः त्रिज्या आर है, ये लो जी ओके। सम षटभुज की अंतः त्रिज्या कितनी है, आर है। तो भाई साहब पूरे कोण को कितने में डिवाइड कर देगा भाई, 60 डिग्री में, है ना, क्योंकि 6 पार्ट में बनेंगे, 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो ये सम षटभुज की त्रिज्या कितनी है, आर है, ये भी कितनी हो गई आर, और ये कोण कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो कह रहा बताइए इसकी परिमाप क्या होगी, आपको बताना है कि इसकी परिमाप क्या है। ओके ऑप्शन दिया गया है 6 आर 3 आर 9 आर 12 आर, यानी 6 आर 3 आर 9 आर और 12 आर। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री, 60 डिग्री। अब ये दोनों त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं और बराबर त्रिभुज की भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो ये भी थीटा ये भी थीटा। तो 60 के बाद बच गया कितना, 120, 120 में 2 थीटा बढ़ गया, मतलब 60 60। लो भाई मजे ही हो गए, क्या हो गया ये समबाहु त्रिभुज, तो ये भी कितना हो गया आर, तो ये भी आर होगा। इसी तरीके से इसके भी हालात होंगे जब इसको मिला दोगे, तो ये भी आर, इसके भी वही हालात होंगे, ये भी आर, सब कुछ आर, और आर आर 6 बार, 6 आर। आंसर हो गया इसका कितना जी, 6 आर। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए जी अगला सवाल, अगला सवाल देखिए कितने बेसिक बेसिक सवाल आ रहे हैं, इनको अपन देख रहे हैं। अगला सवाल देखिए कैसा क्वेश्चन आया, कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू। आपके पैरा कोई कह रहा कोई राइट ट्रायंगल एबीसी है, नाम तो दे रहा है एबीसी का ओके, और आप जो है ये बताया नहीं कि किस पर राइट, किस पर मतलब 90 डिग्री है, बस ये कह दिया कि कोई राइट ट्रायंगल एबीसी है। तो एबीसी राइट ट्रायंगल है, तो आप एक काम करो एंगल ए को या एंगल बी को या एंगल सी को आप 90 डिग्री मान लो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ, 90 डिग्री ओके, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी कितना होगा। आंसर है छोटा क्वेश्चन, मगर देख करके बच्चे भयभीत हो जाते हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर ए, अपन ने सी को 90 मान लिया है, तो केवल क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखिए ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 90, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये भी 1 और ये भी 1। बोलो आंसर कितना आया, तो इसका आंसर कितना हो गया जी, 2 हो गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं मगर आते हैं एग्जाम में मज़ेदार तरीके से, इनको ध्यान रखिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध टाइप का क्वेश्चन है ये, यूपी टीजीटी में हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है एक तो। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉट, कॉट इनवर्स टेन, टेन के अंदर फिर क्या है कॉस इनवर्स एक्स। अब आपको इसका मान बताना है, आपको इसका जो है मान बताना है, देखिए कैसे करेंगे आप इसका मान। तो साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स, तो आपको देखिए सबको बस करते जाना है। अब सबसे पहले देखिए कॉस के नीचे क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन कॉट इनवर्स टेन। अब देखिए जो कॉस है, कॉस को हमको लिखना है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भैया बेस तो एक्स ही दिख रहा है ओके, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लो। अब ये टेन के अंदर है, टेन के अंदर इतना आ चुका है
एक सेकेंड, और ये टेन इनवर्स बना होगा, मैंने एक चीज़ भूल गया लिखने के लिए यहाँ पे भाई साहब, ये टेन इनवर्स है, ये क्या है, ये टेन इनवर्स है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना आएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, बेस कितना है एक्स है, तो अब टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, साइन ऑफ कॉट इनवर्स, साइन ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। आप ये तो नहीं सोच रहे हो, ये इसको मैं ट्रैंगल बना के कर रहा हूँ, आप लोग भी चाहो तो ट्रैंगल बना के कर लो। अब देखिए कॉट है, तो कॉट में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन में अपन को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन ऑफ, इसको मैं साइन इनवर्स करूँगा तो ऊपर कौन बैठा है, एक्स, और दोनों का एक्स स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट ले लूंगा तो वन आएगा, तो भाई साहब साइन से साइन कट गया, इसका आंसर कितना आएगा एक्स। आई होप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा, बहुत जल्दी किया क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जैसा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें खतरनाक सा, तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है। चलिए अगला सवाल करता हूँ, अगला सवाल देखिए मित्रों, द नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन इनवर्स, आपको बताना है मूलों, वास्तविक मूलों की संख्या, और आपके पास समीकरण दिया गया है टेन इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स प्लस वन, एक समीकरण ये दिया गया है, प्लस साइन इनवर्स ओके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक समीकरण आपके पास ये दिया गया है, इक्वल टू पाई बाई टू, आपको बताना है कि इसके मूलों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है दो मूल हैं, एक मूल है, जीरो मूल है, डी है अनंत मूल। अब देखिए एक चीज़, ये जो बैठा हुआ आपको सबको पता है कि रूट के अंदर की चीज़ है, तो रूट के अंदर की चीज़ क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है एक्स इंटू एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ओके इक्वल टू जीरो भी चल जाएगा कोई नहीं, तो चलो बेबी स्क्वायर मेथड लगा दो, तो एक तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, और एक एक्स इक्वल टू माइनस वन भी होगा, लियो भाई साहब, तो पहले वाले को माइनस वन ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो, जीरो ले लो, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि हाँ, तो माइनस वन हो गया जीरो, अब अगर आप जीरो से बड़ी वैल्यू लोगे तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक तो आपके पास ये निकल करके आ गया, और यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और एक अगर आप दोनों निगेटिव ले लोगे माइनस वन से छोटा, तो आपके आपके पास ये निकल करके आ गया, ओके। हाँ तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो में ये सीन आपके पास आ चुका है। दूसरा सीन ये है भाई साहब, रूट के अंदर, तो आपको पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, ये होना चाहिए, ओके। तो ये रूट लगा हुआ है, ये तो रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो रूट लगा हुआ है, रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो होगी, निगेटिव से बड़ी तो हो ही करेगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी जीरो से लेके वन के बीच में लाई करेगी, ओके जीरो से लेके वन के बीच में लाई करेगी, मतलब हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है वो वन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ओके वन से छोटा होना चाहिए, और अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, वन से छोटा है तो वन से छोटे में इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर भी वन से छोटे ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड लेस देन और इक्वल टू वन, वन से वन कैंसिल हो गया, ओके तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन जीरो, एक्स कॉमन, एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इनइक्वालिटीज की यदि मैं मिलाता हूँ तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो ये है माइनस वन और ये है जीरो, अब लेस देन जीरो कह रहा है, देखो जी मतलब छोटी वैल्यू इसमें चाहिए है, तो जीरो से बड़े में तो ये पॉजिटिव जा रहा है, मतलब इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ क्या है अपन के पास भी, इधर भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू, तो अपने पास जो कॉमन सोल्यूशन हुआ कौन सा हो गया, कॉमन सोल्यूशन अपने पास ये हुआ, सॉरी इसका सोल्यूशन। अब यदि आप दोनों को मर्ज कीजिए तो देखिए दो पॉइंट पर इनकी सहमति बन रही है, क्योंकि एक में रीज़न ये वाला है और एक में रीज़न अपना ये वाला है, तो जिसका कॉमन पॉइंट केवल आ रहा है माइनस वन और जीरो, तो आंसर इसके दो सोल्यूशंस होंगे, टू सोल्यूशन, वन इज माइनस वन एंड सेकेंड इज जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो, बहुत बढ़िया, ओके तो आंसर क्या होगा, माइनस वन कॉमा जीरो।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स कब सत्य है। ओके क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स कब सत्य है। तो भाई साहब देखो, टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स कब आपको कह रहा कि ये कब सत्य है। तो इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप, क्योंकि आपको ग्रेटर देन बनाना है कि ग्रेटर देन के लिए कैसे होगा, तो देखो इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी यस। तो ये अपने पास एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 कैसे होता है, अपन एफ एक्स को 0 के इक्वल ले लें, तो एफ एक्स को 0 के इक्वल ले लेंगे मतलब टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स कहाँ पे होता है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे। मतलब जो भी फंक्शन आपको देखना है वो पाई बाई 4 के आजू बाजू ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों 0 हो गए हैं। तो अगर आप पाई बाई 4 के पीछे चलते हो, पाई बाई 4 के पीछे मतलब कितना, पाई बाई 4 के पीछे, तो एक्स की वैल्यू तो यार यहाँ पर अपन कितना रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स 1, ना 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 ना, हाँ एक्स इक्वल टू 1, सॉरी एक्स इक्वल टू 1, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो एक्स इक्वल टू 1 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक 1 से कम और एक 1 से ज़्यादा, एक 1 से कम है और एक 1 से ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम 1 से कम क्या लें और 1 से कम ज़्यादा क्या ले लें। ओके तो 1 से ज़्यादा में हमारे पास होता है रूट थ्री, 1 से ज़्यादा में होता है रूट थ्री। तो लेट अस सपोज अगर आप रूट थ्री लेकर के देखते हैं, तो रूट थ्री लेकर के देखते हैं क्योंकि इसमें बोला है कि बड़ी वैल्यू कब होगी। तो अगर अपन रूट थ्री लेकर के देखते हैं 1 से ग्रेटर के लिए, तो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए यदि मैं एक्स इक्वल टू रूट थ्री लेकर के देखूं, तो टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री कितना आ जाएगा। देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री होता है पाई बाई 3, और कॉट इनवर्स रूट थ्री कितना होता है पाई बाई 6, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, इसका आंसर होगा एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक्स में टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू बड़ी पड़ रही है। चलिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड। एक अपने पास ग्राफ होता है वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो आइए वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कितना जाता है भाई साहब, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाती है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, और आउटपुट जो होता है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में ठहरता है। तो ये हो गया वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, जिसमें यहाँ पर मुँह खुला हुआ है इन्फिनिटी के लिए, इधर पे मुँह खुला हुआ है माइनस इन्फिनिटी के लिए, अधिकतम वैल्यू यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सपोर्ट करेगी माइनस पाई बाई 2। ओके अब कॉट इनवर्स एक्स की ग्राफ हम बनाते हैं। तो आपको पता है कि कॉट जो होता है, कॉट 0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यानी कॉट इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ओके एंड कॉट पाई बाई 2 इक्वल टू, कॉट का जो ग्राफ हुआ करता है वो कहाँ से कहाँ आता है। देखिए कॉट का ग्राफ जो हुआ करता है वो इन्फिनिटी से कॉट की ग्राफ देखनी पड़ेगी। सो देखिए यदि हम कॉट इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो कॉट इनवर्स 0, कॉट की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, पाई बाई 2 पे। ओके कॉट की वैल्यू जो 0 होती है वो पाई बाई 2 पे, मतलब 0 पर ही आपको पाई बाई 2 देगा, ठीक है ना। और माइनस इन्फिनिटी पर प्रिंसिपल ब्रांच कॉट की माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2, 0 to π। तो इसकी जी प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो 0 to π, इस तरीके से ये हो जाएगा कॉट का ग्राफ।
ये देखिए, ये कॉट का ग्राफ बन रहा है अपने पास में। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन रहा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। थोड़ा सा पीछे चलेंगे इसमें, आपको दिखाता हूँ मैं कि भाई मान लो कॉट x इज इक्वल टू होता है कॉस x अपॉन साइन x, ठीक है ना। तो जिस समय आप इसको x की वैल्यू 0 दोगे, इस समय ये आपको क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा, ठीक है ना। जिस समय आप इसको x की वैल्यू 0 दे दोगे, इन्फिनिटी देगा। तो आप देखो ये दोनों यहाँ पे भिड़ रहे हैं, और जब भिड़ने के बाद जो है ये ऊपर जा रहा है, भिड़ने के बाद जो है ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, ये चीज़ है। तो अपना यहाँ पर इसका आंसर बनेगा कि टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स कब होता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन वन हुआ करता है। ओके, जब एक्स इज ग्रेटर देन वन होता है। संजय सर आप जुड़े हुए हैं, कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे क्या, इस ग्राफ के बारे में कोई नॉलेज है आपको स्पेशल? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ओवर करते हैं। कल इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन लेकर के या अगला पेपर लेकर के हम हाजिर होंगे। आपका बहुमूल्य और कीमती समय देने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका आने वाला समय मंगलमय हो, शुभ रात्रि।